पेगासस मामले पर दायर याचिकाओं को लेकर एफिडेविट दायर नहीं करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा की है समझ, फोन हैक करने जैसे दावों पर मांगी गई प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। सलमान खुर्शीद बोले, राज्य के चुनाव में किसी भी दल से नहीं किया जाएगा गठबंधन। भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर पूरी तरह स्वस्थ। वॉइस मैसेज में खुद के घायल होने या मरने की अफवाहों का किया खंडन। भारत में 12 साल से छोटे बच्चों के लिए अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकती है कोविड रोधी वैक्सीन। योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बोले बाबा काम किए होते तो अब्बा अब्बा नहीं चिल्लाना पड़ता। और रूस के दनील मेदवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का पहली बार खिताब जीता।